बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग जनाब। आज ओलिविया हेयर कलर का जी ये हमारे पास है नॉन मेटालिक डाई, वेरी लाइट बेज ब्लॉन्ड, 16 नंबर है ये मेरे पास। और आज आपके सामने डेमो होगा, मैं लाइव आपके सामने दिखाऊंगी कि ये कलर आता है कि नहीं। ये जी आजकल बड़ा फैशन में इन कलर है, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल बिल्कुल चमकता सा गोल्डन नहीं है। इसमें आप इसको डल गोल्डन ब्राउन जैसा शेड कह लें, बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये मकसद मैट लुकिंग सा आपको लगता है देखने में भी, और बहुत ही अच्छा सा एलिगेंट सा जो है ना ये लगता है देखने में। तो मैंने सोचा कि जो है गोल्डन ब्लॉन्ड के ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन इसके बारे में वेरी लाइट बेज ब्लॉन्ड इन्होंने किए जो नया शेड है और ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा था, तो मैंने सोचा कि आपके सामने इसकी वीडियो जो है वो मैं बनाऊँ और आप जो है लाइव आपको दिखाऊँ कि ये कैसा कलर इससे अचीव होता है। मेरे पास ये वर्जन हेयर है बिल्कुल जी, इनके ऊपर कोई केमिकल या कोई भी पहले से प्रोसीजर नहीं हुआ हुआ। ये मेरी एक क्लाइंट आई थी हेयर कटिंग करवाने के लिए, बिल्कुल वो 18-19 साल की बच्ची थी और उन्होंने अपने बालों के ऊपर कोई भी इनके ब्लीच और कोई भी कलर ना अप्लाई नहीं किया। इनका नेचुरल ये बाल थे और सेहतमंद बाल थे, इस वजह से मैंने सोचा कि आपके ऊपर बिल्कुल ये उनका नेचुरल कलर है। और ये जी उनका जो नेचुरल कलर है बिल्कुल जेट ब्लैक नहीं है, ये आप कह लें कि उनकी ना ब्राउनिश से लाइट सा ब्राउन सा शेड आता है बालों के अंदर, लेकिन उन्होंने कोई भी एप्लीकेशन नहीं की, ये इसके ऊपर मेहंदी या कलर की कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये नेचुरल हेयर है उनके। और इसके ऊपर मैं ये वाला जो कलर है कैसा अचीव हम करते हैं इस कलर को इस ब्लैक बालों के ऊपर या मीडियम आप कह लें या डार्क ब्राउन बालों के ऊपर हम इस कलर को कैसे लेके आते हैं और इसके लिए हमें क्या करना है। इसके लिए हम जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए आपको एक बाउल चाहिए, एक ब्रश चाहिए और ये आपको जी ओलिविया का ये वाला शेड चाहिए जो मेरे पास इस वक्त आप देख रहे हैं, वेरी लाइट बेज ब्लॉन्ड 16 ओलिविया का ये शेड। और इसी तरह का इसी टाइप का आपको कलर इसमें आपको मिलता है, आप अचीव करते हैं कि नहीं आज हम ये सारी इस वीडियो में देखेंगे। ये जी आप देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि न्यू कलर उन्होंने मुतारफ़ कराया है और ये बहुत अच्छी मुझे शेड लगी है कि इसमें बहुत डल सा गोल्डन है, बहुत चमकता सा गोल्डन नहीं है, जो बड़ा ही आई थिंक 30+ औरतों के लिए बहुत ही डिसेंट सा और बहुत ही एलिगेंट लुक इसमें आपकी आएगी। तो आज हम देखते हैं इसके लिए ये कलर लाने के लिए आपको मैं हमेशा बता दूं कि जब आपने कोई फैशन कलर लेना होता है ना तो 40 वॉल्यूम क्यूने के साथ आप काम किया करें, 30 वॉल्यूम के साथ आप तब काम किया करें जब आपके सामने बहुत ड्राई फ्रिजी ऐसे प्रोसीजर हेयर्स आपके ऊपर जिसके ऊपर प्रोसीजर कोई किया हुआ है, केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं उनके साथ आप 30 वॉल्यूम के साथ कर लिया करें। और समटाइम्स आपको 40 वॉल्यूम के साथ भी काम करना पड़ता है, लेकिन 40 वॉल्यूम जो आपके बिल्कुल सेहतमंद बाल हैं उस पर फैशन कलर लाने के लिए आपको 40 वॉल्यूम, क्योंकि जब इतना डार्क शेड हो तो आपको थोड़ा सा उसको लाइट करने के लिए आपको 40 वॉल्यूम के साथ ही काम करना पड़ता है। तो जी कितनी इसकी रेशो होगी वो आज मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि हम कितनी रेशो के साथ इसके ऊपर एप्लीकेशन करेंगे। ये सबसे पहले तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ, मैंने जी ये बाय किया बाज़ार से इसका नया कलर देख के। ये जी ट्यूब है इसकी, इस तरह की इसकी अंदर शेडिंग है और आपको पता ही है कि इसके अंदर इसका जी ये ग्लव्स भी होते हैं दो, जो मैं इसकी बैग से निकाल लूँगी। ये देखें, हमेशा मैं कहती हूँ कि मुझे एक हाथ से वीडियो बनाना होती है, इस वजह से मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैंने एक ही हाथ से जो है ना वो जी काम करना होता है। ये है इसके अंदर से जो निकलता है जी वो ऑलवेज हमेशा 20 वॉल्यूम, लेकिन 20 वॉल्यूम के साथ अगर आप ये वाला कलर करेंगे तो वो अचीव नहीं होगा। उसके लिए एज ए ब्यूटिशियन मुझे पता है कि जब भी आपने कोई फैशन कलर लेना है तो फिर आपको 40 वॉल्यूम जैसे हम कट डाउन करने के लिए डालते हैं, तो फिर हमें कोई भी फैशन कलर भी अगर लेके आना है तो अगर हमने बगैर कट डाउन के काम करना है तो फिर हमें 40 वॉल्यूम के साथ ही काम करना पड़ेगा। इसलिए हम इसे ओलिविया के 20 वॉल्यूम को, अगर आपने 20 वॉल्यूम ये डालना है तो उसके साथ फिर आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ती हैं, जैसे कि क्यूने का आप 10 या 20 वॉल्यूम और क्यूने का भी साथ ऐड कर लें तो फिर आई थिंक आपको उससे जो फैशन कलर के करीब करीब जो है ना वो आपको मिल जाएगा। तो मैं इसके साथ नहीं, आज हम इसी के साथ काम करेंगे और इसकी देखते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी जो है इतने बालों के लिए लेते हैं जी। तो यहाँ पर मैंने ना ये देखें ये क्वान्टिटी मैंने इतनी ले ली है इसकी, आई थिंक ये काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद ये इतना क्रीम लेने के बाद जो इसका डेवलपर लेने के बाद जो मैं इसका जो सॉरी ये जो डेवलपर है 40 वॉल्यूम ये भी मैं इतना ही डालूंगी जितना बराबर मकदार में मैंने इसको क्रीम को लिया है।
मैं इसकी बराबर क्वांटिटी ले रही हूँ। आप इस बात को याद रखें कि जब आपने फैशन कलर लेना है तो आपने इसकी थोड़ी मकदार नहीं डालनी, आपने इसकी बराबर मकदार ही डालनी है 40 वॉल्यूम की, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अच्छा जी, इसके बाद हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छे से करनी है। मिक्सिंग करने के बाद फिर हम इसको उन बालों के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बाल थोड़े से डैमेज्ड हैं, और मकसद आपके ये तो मैं बिल्कुल वर्जन हेयर ले रही हूँ, अगर आपके मकसद ऐसे हेयर्स हैं जिनके ऊपर प्रोसीजर हुआ हुआ है या आपके डाई लगा हुआ है किसी किस्म का प्रोडक्ट या केमिकल्स के साथ, आपके बालों के ऊपर किसी भी केमिकल के साथ काम किया हुआ है, तो 40 वॉल्यूम से आप फिर 30 वॉल्यूम पर आ जाएँ। और आप वाइटामिन ई का कैप्सूल भी अंदर एक शामिल कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी जो है वो हेल्प मिलेगी, आपके बालों को डैमेज होने से वो बचाएगा, ठीक है। ये देखें, ये मिक्स हो गया है, अब हम इसको बालों के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने बालों की ये लठ इसको रबर बैंड के साथ ऐसे ही मैं इसके ऊपर ये जो क्रीम है ये अप्लाई कर दूंगी। ये देखें जी, मैंने ना अप्लाई कर दिया क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो रही थी एक हाथ से बनाने में, तो फिर मैंने इसको पूरा अप्लाई करने के बाद मैंने देखें बालों के ऊपर अच्छे तरीके से ये लगा दिया जितना भी प्रोडक्ट था, और ये मैंने जितना था उसको खाली कर दिया और इसके ऊपर लगा दिया। और एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आपने 40 वॉल्यूम के साथ काम करना है आपने अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा के काम करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है 40 वॉल्यूम एक्सक्यूज़ मी, अगर आप बग़ैर इसके ग्लव्स चढ़ाए काम करेंगे आपके स्किन के ऊपर कहीं भी लगेगा तो ये आपकी स्किन को डैमेज करेगा, बर्न करेगा। आपने जब भी हेयर का कोई भी प्रोसीजर करना है 40 वॉल्यूम के साथ, तो ग्लव्स को आपको दोनों हाथों में आपके ग्लव्स पहने होने चाहिए। अब मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, अब मैं इसी शॉपर के अंदर इसको रैप कर दूंगी, और हमने आफ्टर 20 से 25 मिनट के बाद देखना है कि हमारा जो कलर है कैसा आया है। अगर हमारे बालों के ऊपर कलर आ जाएगा तो हम इसको वॉश कर लेंगे, नहीं तो फिर हम मज़ीद 5 से 10 मिनट इसको देंगे और उसके बाद हम अपना इस जो बालों को वॉश करके देखेंगे कि हमारा रिज़ल्ट कैसा रहा। अब इसको जी, तो मैंने इसको वॉश किया है, तकरीबन मैंने पहले इसको 20 मिनट के बाद देखा तो इसका रिज़ल्ट जो था मुझे अच्छा नहीं लगा था, वो मैं बस वीडियो डाल नहीं सकी, सॉरी। उसके बाद मैंने 10 मिनट्स इसको फिर देख दिए, तो फिर ये 30 मिनट्स के बाद हमें ये कलर अचीव है बगैर कट डाउन के। ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ लाइट में, थोड़ा सा इसका कलर बड़ा ही अच्छा सा ये वाला शेड आ गया, ठीक है ना। ये देखें, ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये जो थे ना जो बाल हम ओरिजिनल बाल थे ना जी, वो ये थे, ये इस कलर में थे। ये देखें, ये हमारे पास था वो ब्लैक कलर जो हमारे पास वर्जन हेयर थे हमारे पास, और ये 18 साल की जी लड़की थी जिनके बाल थे बड़े, मकसद अच्छे बाल थे बहुत, उनके सेहतमंद बाल तो नहीं थे लेकिन उस पर कोई कलर वगैरह उन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ था। तो ये जो है जी, आफ्टर हमने जो एप्लीकेशन के 40 वॉल्यूम के साथ हमने ये वाला जो शेड था हमारा, ये हमने अप्लाई किया था, 16 नंबर है इसका, और ये हमारे पास था नॉन मेटालिक डाई था ये जी, वेरी लाइट बेज ब्लॉन्ड ये कलर था। ये देखें, आप देख रहे हैं ये जी न्यू कलर उन्होंने ओलिविया वालों ने जो है ना ये जी न्यू कलर ये इन्होंने मुतारफ़ कराया है, और इसका जो हमने शेड हमें अचीव हुआ है विदाउट कट डाउन, वो मैं आपको रख के बड़ी डिटेल के साथ दिखा रही हूँ कि जी कलर देखें जी, पिक्चर के अंदर जो है वो ये शेड है और ये हमें अचीव यानी कि हमने हासिल किया है, हमें मिला है ये वाला शेड, ठीक है। ये देखें, ये शेड हमें इससे मिला है, और ये जी ओरिजिनल कंडीशन थी बालों की। मेरा ख्याल है कि अगर विदाउट कट डाउन अगर आपको ये कलर इससे मिला है तो ये देखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बुरा है। अगर आप कट डाउन करने के बाद आप जो है इस कलर की एप्लीकेशन करेंगे ना, तो ये मेरा ख्याल बिल्कुल ओरिजिनल के करीब आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम मैं इसी शेड के साथ आपको ना कट डाउन करके फिर इस कलर की एप्लीकेशन दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे कलर बहुत अच्छा लगा है। तो ये जी हमारा लाइव रिज़ल्ट था, जिसमें आप देखें कि अगर आपने इस तरह का कलर भी आप अचीव करना चाह रहे हैं ना इसके साथ, इस कलर के साथ, तो ये आपको मिल जाएगा। ये जी ब्लैक है और जो हमने हासिल किया वो ये वाला शेड है। मुझे वैसे ये शेड बुरा नहीं लगा, यानी अगर विदाउट कट डाउन आपको ये कलर ब्लैक के साथ ये वाला कलर मिल जाता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। ये देखें, ये जी हमने ये बिफ़ोर है और ये आफ्टर है, और ये शेड था जो हमने लेना था और हमें ये शेड इसका मिला है विदाउट कट डाउन।
ठीक है जी, ये थी जी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको लाइव दिखाया है। हमेशा याद रखें जितने भी ये जो फैशन कलर्स हैं ना, अगर आपने ये फैशन कलर विदाउट कट डाउन लेने हैं तो इसमें आपको इतना फ़र्क ज़रूर रह जाता है आपकी जो है ना शेडिंग। अब देखें यहाँ पे इन्होंने शेड कार्ड दिखाया हुआ है, तो आप देखें कि ये जो हमारा है ना, हमें डार्क ब्राउन के करीब जो है ना इस कलर ने, बल्कि मीडियम ब्राउन, हाँ जी मीडियम ब्राउन के करीब ना ये कलर हमारा जो है ना वो लग रहा है। बिल्कुल उनके ब्लैक बाल थे और भी विदाउट कट और हमने 40 वॉल्यूम के साथ किया ना, तो ये जो मीडियम ब्राउन, वैसे अगर हम लें ना मीडियम ब्राउन ब्लैक बालों के ऊपर लगाएं तो बिल्कुल ये कलर नहीं आता। लेकिन अगर आप ये वाला कलर लेके कट डाउन करके उसके विदाउट कट डाउन 40 वॉल्यूम के साथ अप्लाई करते हैं तो आपका बड़ा ज़बरदस्त ये ब्राउन कलर आ जाता है। ये जी थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ लाइव बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू था जी इसका। कोई मैंने इसमें एडिटिंग एडिटिंग नहीं की, कोई मैंने इसमें कोई कलर का वो नहीं दिया कि मैंने बिल्कुल ओरिजिनल, मैंने एक ही उसमें कोई ब्लीच पाउडर नहीं शामिल किया, मैंने कोई और एक्स्ट्रा ओलिविया का या मकसद कोई भी सॉफ्ट टच का ब्लीच का साशे नहीं शामिल किया। ये बिल्कुल जेन्युइन है, अगर आपने ओरिजिनल है वीडियो, अगर आपने ये वाला कलर लेके 40 वॉल्यूम के साथ आप आधे घंटे के साथ एप्लीकेशन करते हैं 30 मिनट्स के लिए, तो आपको ये कलर अचीव होता है और ये बहुत ही प्यारा सा कलर है। अगर आप बिल्कुल ये वाला शेड नहीं चाह रहे हैं और इस तरह का शेड चाह रहे हैं ना, तो वो जनाब इस पर ये हमें मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मकसद एक बुरी ऑप्शन है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।